Yes. मैं जानी चंगेजी बल अली असर मरनी इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफादार रुकन हूँ। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान अपने ओहदे के फराइज ईमानदारी और सदके दिल से अदा करूंगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद कायदीन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत पाकिस्तान के फलाह व बहबूद के लिए संगे मील समझता हूँ। मैं आयत करता हूँ कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खिदमत करूँगा। मैं पार्टी के चेयरमैन भुट्टो जरदारी और शरीक के चेयरमैन की करता हूँ। मैं पार्टी के मंशूर और मंशूर असूलों पर पाबंद रहूँगा और अदर के फैसलों की पाबंदी करूँगा। ये देखें कि हम लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अवामी राबता पूरे सूबे के अंदर अवामी राबता मांग का सिलसिला शुरू कर रखा है और इस सिलसिले में हर जगह पे हमने दिल्ली और डिविजनल सदूर को हिदायत कर दी है कि वो अपनी तंजीम साजियाँ मुकम्मल करें और हम लोगों ने ये अहद किया है कि क्योंकि हम पीपल्स पार्टी के कारकुन जो पीपल्स पार्टी के असली कारकुन चाले कारकुन पार्टी के जो हैं हमारे लिए और हमारी क़यादत के लिए हमारे नज़रिए के लिए एक पार्टी को एक सरमाया है। आज कल भी मैंने विजिट किया हज़ारा मरियाबाद हज़ारा कबायत के बिरादरी से बातचीत भी हुई सियासी तौर पर भी और यहाँ तंजीमी तौर पर भी। आज मरियाबाद यूनिट का टीवी टू हर हल्के में सूबा असम्बली के हल्के में हम तंजीम साजी कर रहे हैं। आज आपके सामने जनरल जगेजी साहब ने अली जान ने मामा मुराद ने हमारे दिगर साथियों ने सब ने मिलकर वहाँ पे बारहवीं मशावर के बाद हम लोगों ने आज ये तंजीम का मरियाबाद पी बी टू का अनाउंस कर रहे हैं। आपके सामने बहुत सारी मनी हुई है और जिस तरीके से इस मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ साजिशें होती रही हैं, जब भी एक मुल्क के अंदर एक जमहूरी हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की अवामी तो इस्टेब्लिशमेंट ने और उनके एजेंटों ने जो चोर दरवाजे से इकदार में कि ये हर वक्त ख्वाहिशमंद रहते हैं, कभी जेली असम्बलियों के जरिए ऐवान तक पहुँचे हैं, जेली असम्बलियों के जरिए कभी जेली डिग्रियों के जरिए कभी चोर रास्ते से। ये पहला मौका है कि चार साल से पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरियत को जमहूरीदारों को मुस्तहकम करने पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम रखने के लिए हर महाज पर डट कर मुकाबला करने का अहद किया है और हम मुकाबला आज भी कर रहे हैं। हम 1970 से लेकर आज तक उस जमहूरी जदोजहद के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को मुस्तहकम देखना चाहते हैं।
इस मुल्क के सामियर इस्तेहकाम और इदारों की मुस्तहकम देखना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों की बालादस्ती चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद की और आज इस मुल्क के अंदर जो अदलिया का रोल है ये पीपल्स पार्टी ने ये रोल दिलाया और हमारे कानूनों ने जदोजहद की। हमारे साथियों की आंखें ज़ाये हुई, टांगे ज़ाये हुए, शहीद हुए इस अदलिया की आज़ादी के लिए। हम चाहते हैं कि मुल्क मुस्तहकम हो, इंसाफ मिले लोगों को, सियासी और मुआशी आज़ादी हो और इंशाअल्लाह हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। और नवाज शरीफ जो कहते हैं कि जी मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, तो मैं कहता हूँ कि लॉन्ग मार्च का जवाब हम भी देने का ऐलान करते हैं कि हम क्वेटा से लॉन्ग मार्च निकालेंगे और रेवन तक हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। और ये कहते हैं कि जी ये जो 800 एकड़ में शाही महल बनाया गरीब लोगों की ज़मीनों को पर कब्जा करके वो बागुजार करके गरीब लोगों को वापस दिलाया जाए ताकि ये जो गरीबों की ज़मीनों पर जो महल बनाए हैं वो गरीबों को वो महल मिलना चाहिए। नवाज शरीफ $32 बिलियन इस मुल्क से बाहर ले गए हैं। अदलिया पे उन्होंने हमले किए हैं। हम लोगों ने आपने देखा वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद चल कर पैदल अदलिया तक गए। हम तो अदलिया की इज्जत एहतराम रखते हैं और जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं और हर इदारे मुस्तहकम रहें, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के मफाद में रहेगा। देखें यहाँ पे ये हुकूमत की कामयाबी नाकामयाबी है। अमन अमान बहाल न रखना हुकूमत नाकामयाबी है और ये मखलूत हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, एक वाहिद जमायत की हुकूमत नहीं, सात जमायती हुकूमत है। सात जमायती हुकूमत उसके जिम्मेदार हैं अमन अमान बहाल करना। और आपके तवज्जो से क्वेटा के अंदर जो खसूसन हजारा कबायल का जो टारगेट किलिंग हो रहा है, पीपल्स पार्टी ने हर सतह पे हर महाज पे इसकी मजम्मत की है और हम समझते हैं कि हजारा कबायल जिस तरीके से दूसरे कबायल को हक है, इसी तरीके के क्वेटा की सरजमीन पर हजारा कबायल सदियों से आबाद है। उनकी टारगेट किलिंग फिरका वारियत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। इसको किसी को हक नहीं पहुँचता कि किसी गरीब आदमी का या किसी मजदूर का जब बाजार कबायल के बाजार जाते हैं उनको कदम किया जाए। इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और इनका तहफ़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपनी फ़रज़ और जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे, हमारी उनको यही तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जो हम लोग लिबरल लोग हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक और जिसमें पार्टी के अंदर कोई तासुब नहीं है, न कौमियत की परस्ती है न मजहबी चिंता पसंदी है, आज़ादी है और हम सोशलिज्म पे यकीन रखते हैं और लिबरल लोग हैं। ये हक किसी को नहीं पहुंचता है कि भी मजहब के नाम पे आप ठेकेदार बने और मजहब के नाम पर लोगों को कत्ल करें। ये इंसान का, हर इंसान का और अल्लाह के दरमियान एक रूहानी रिश्ता है। वो दोनों जानते हैं, उसका दिल जानता है कि वो अल्लाह की इबादत किस तरीके से कर रहा है और अल्लाह जानता है अपने बंदे का कि वो किस तरीके से मुझे याद करते हैं। तो इस पर मैं समझता हूँ कि इंतहाई अल्फाजों में हम इसकी मदद करते हैं। और आज जो है हरका PEP-2 की सदर रामिन अली चंगेजी, नायब सदर हैदर अली शहजादा, सरदार ज़ादा हैदर अली, नायब सदर हाजी अली अकबर, जनरल सेक्रेटरी
غلام حسن چنگیزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری آمندی سیکرٹری اطلاعات مشتاق حسین فنانس سیکرٹری امید علی رابطہ سیکرٹری آفتاب حسین آفس سیکرٹری دوستان علی سیکرٹری ریکارڈ ہے رمضان علی جن سے اوتھ لیا ہے اور ان کو نئی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس کے بعد نچلی سطح پہ بھی اپنے یونٹ بنانے کی کوشش کریں گے. کتنے عرصے میں سر مکمل ہو جائے گی؟ کوشش کر رہے ہیں اس طرح جلد ممکن ہو. یہ اچھا عزیز گوگرو ایک ایک تصویر بھی لے کے اور فیس بک پہ میں نے غلام رضا